मेरा वार्ड मेरा गौरव। इस वक्त वार्ड नंबर 52 में मैं खड़ा हूं और वार्ड नंबर 52 के एक पार्क में मैं इस वक्त खड़ा हूं और उस पार्क में खासकर जिम बनाया गया है। अब ये जिम किसकी तरफ से बनाया गया ये हम जानेंगे और शालिनी चावला यहाँ की पार्षद हैं, उनको बार बार कहा भी जाता है कि यहाँ की देखरेख की जाए इस पार्क की, परंतु वो पार्क की देखरेख नहीं करते हैं। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये JDA में आता है, कुछ लोग कहते हैं ये नगर निगम में आता है, उसके कारण ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। क्या तकलीफ क्या है जरिए एक बार दिनेश जी इस जिम को दिखाइए। जिम देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, जिस तरीके से जिम बना हुआ है, लोगों की स्वस्थ रहने के लिए इस चीज़ को बनाया गया है, परंतु ये कचरा भी आप देख पाएंगे यहाँ पे कि इस पूरे जिम में कहीं ना कहीं कचरा भी पूरा बिखरा हुआ है, हर तरफ कचरा बिखरा हुआ है, सफाई यहाँ पे होती नहीं है। तो लोग जिम कैसे करेंगे? अगर आप ये कहें कि स्वस्थ रहने की बात अगर कर रहे हैं तो स्वस्थ रहने के साथ साथ इस पार्क की सफाई भी होना ज़रूरी है, क्या कहना चाहते हैं? वही बात है जो भी आपने बताई, शालिनी चावला को भी कई बार कह चुके हैं, वही मुकर जाती है कि भाई हम, मेरे तो 6 माह और रह गए हैं और 6 महीने के अंदर मुझे कुछ नहीं करना, जो करना है आपको करना, हमारी सरकार चली गई और आपकी सरकार, इसलिए आप ही लोग जो भी करेंगे कांग्रेस सरकार करेगी, ऐसे कह के वो पल्ला झाड़ लेती है। नहीं, कांग्रेस सरकार करेगी तो सरकार तो उन्हीं की है ना, है, पर वो तो ये कह रहे हमें 6 महीने और रहने, अभी कार्यकाल पार्षद का मेरा तो 6 महीने का है, मैं जो कर चुकी कर चुकी, तो अब कुछ नहीं करेंगे, अब नहीं कुछ करना मेरे को। सभी जो भी जाता है आम आदमी काम लेकर के, उनको सबको ये कह के टरका देते हैं वो। तो ये पार्क की सफाई क्यों नहीं हो रही, ले कहते नहीं पार्क की सफाई, उनको कहा है और उन्होंने नगर निगम में फोन करते हैं इंस्पेक्टर को, तो इंस्पेक्टर बता दिया कि हमारे तो अंडर में ही नहीं है ये पार्क। अच्छा, ये अंडर में नहीं, किसके अंडर में फिर? हमारे अंडर में नहीं है, और JDA से बात करी तो उन्होंने कहा हमारे अंडर में नहीं है, हाउसिंग बोर्ड से बात करी तो पता लगा कि वो कह रहे हमारे अंडर में नहीं है। किसके अंडर में फिर? कोई ये राम भरोसे, राम भरोसे है, किसी के अंडर में नहीं है तो फिर ठीक है, कब्जा कर लेंगे लोग, फिर उसमें क्या करोगे फिर बाद नहीं, कब्जा तो सही बात है, ये सही है। हाउसिंग बोर्ड वाले कहते हैं कि नगर निगम के पास है, नगर निगम वाला हाउसिंग बोर्ड के पास है, ऐसे हमेशा ऐसे ही कहते हैं, बहुत लोग नेता है यहाँ पे, सब यही कहते हैं कि भाई हाउसिंग बोर्ड का है, कोई कहता है नगर निगम का है, यही कहते हैं भाई, हाउसिंग बोर्ड का भी नहीं है, नगर निगम का भी नहीं है, ठेकेदार अब यहाँ आता ही नहीं है, हर पार्क के अंदर सफाई, हर पार्क के अंदर ठेकेदार दे रखा है और सफाई कर्मचारी है, हर पार्क में दे रखा है, यहाँ पे कोई परमानेंट है ही नहीं है, नहीं नहीं, हर पार्क में दे रखा है सफाई कर्मचारी, हाँ हर पार्क में आप जिस तरह देखो ठेकेदार, गाड़ी तो आती होगी सफा करने, वो तो बाहर रोड पे के लिए चल जाती है, अंदर तो आती नहीं है, अंदर कॉलोनी में भी नहीं आती, नहीं कॉलोनी में आती है, हर घर पे आती है, लेकिन पार्क की सफाई कभी नहीं होती है, पार्क की सफाई हम मोहल्ले वाले करवाते हैं, जिम कौन करता है, जिम बच्चे आते हैं सफाई, बच्चे झूले झूलते हैं यहाँ पर, केवल झूलों के लिए नाम जिम है, बाकी बच्चे झूले झूलते हैं यहाँ पर, झूला झूलने का बच्चा क्या है। और अभी मोहल्ले वालों ने, इन्होंने जैसे, आपका नाम बताओ? मेरा नाम संजय भाटिया है, इन्होंने लिख के दिया, आपने बताओ पूरी? मैंने अर्चना शर्मा जी को लिख के दिया था, लेटर दिया था, और ये राम अवतार जी हमारे यहाँ के, तो इन्होंने खूब सहयोग किया हमारा और इन्होंने मिल के उनको लेटर पे देख के साइन वाइन करा के जो सफाई करवाई, तीन गाड़ी कचरे की यहाँ से निकली दिन पहले, उसमें भी इंस्पेक्टर का ये जोर था कि मेरे अंडर में तो नहीं आती है नगर निगम में, परंतु तो आप कह रहे हो तो मैं सफाई करवा देता हूँ, वो भी उसको धमकी दिया कि मैंने कहा अर्चना शर्मा जी के द्वारा आपका ट्रांसफर करवाया जा सकता है, क्यों आप काम नहीं कर रही हो, किसके अंडर में? हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी केवल ये है कि आपकी जिम्मेदारी की हमें सफाई चाहिए। चलो दिनेश जी, एक बार इस जिम की क्वालिटी भी देख लें, कैसा जिम है, क्या है, किस तरीके से चलते हैं ये जिम, ये देखिए मैं इस वक्त हूँ यहाँ पे। अच्छा, बड़ा ये तो बड़े अनकंफर्टेबल जिम है, क्योंकि ये नीचे बड़ा खड्डा सा है, इसमें यहाँ पे बैठना बड़ा मुश्किल है। चलिए एक बार पकड़िए इसको, मैं देखता हूँ चला के चलता है क्या। ओहो, क्वालिटी वाइज तो बहुत ज़्यादा कोई ठीक लग नहीं रहा, परंतु ठीक है, फिर भी इसको हटा लो, परंतु फिर भी ठीक है, चलो लोगों के लिए कसरत करने के लिए ठीक है। परंतु एक चीज़ और भी है कि क्या अगर इसको कसरत करने के लिए लोगों को सुबह सुबह अगर ये दिया जा रहा है और इस पार्क के अंदर ये सुविधाएं दी जा रही है, और अगर इस पार्क में इन सुविधाओं के बीच में लोग आते हैं, तो इस तरीके से अगर कचरा पड़ा है, कैसे लोग इस पर जिम करेंगे? लोग क्यों, सरकार अपना पैसा खर्च कर रही है, क्यों कर रही है? बहुत हैं जिम, लोग चले जाएंगे, परंतु क्यों कचरे के बीच में इस तरीके का जिम बना के और क्यों लोगों को बरगलाया जा रहा है? और भी वाशिंदे वार्ड नंबर 52 के मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं, क्या समस्याएं हैं वार्ड नंबर 52 की, कोई समस्याएं हैं? क्या साफ़ सफाई तो रहती नहीं है यहाँ पे, मतलब तो है नहीं, जिम मशीनें लगा दी, बच्चे घूमते हैं यहाँ पे, गंदगी इतनी पड़ी है जिसकी कोई हद नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं देता। हम लोग भी वहीं गए थे अर्चना शर्मा के पास में, उन्होंने एक बार तो सफाई करवा दी, फिर वो बोलते कि हमारे अंडर में है ही नहीं ये पार्क,
ये JDU और ये हाउसिंग बोर्ड के अंदर में वो करवाएंगे हम नहीं करवाएंगे। उन्होंने एक बार तो करवा दी, बोला आप आगे से आप देख लो। कॉलोनी की कुछ समस्या है अंदर, थे इन्होंने करवाए थे। कॉलोनी की समस्या ये लोग गंदगी डालते हैं यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे इस पार्क में हमने फिर किसी बार कचरा उठवाया, उसमें कितने जिन लोगों ने रोटियां फेंक रखी हैं, थैलियां फेंक रखी हैं। गाड़ी आती होगी ना, गाड़ी वाले मना कर रहे हैं, बोला हम नहीं उठाएंगे कचरा, हमारा काम नहीं है, हम सिर्फ घरों से लेते हैं। कहाँ इस पार्क का कचरा नहीं उठाएंगे? नहीं उठाएंगे, मना कर दिया। घरों से लेते हैं कचरा? हाँ। और बाकी सीवर वीवर की प्रॉब्लम ठीक है? सीवर बिल्कुल रुकी हुई है। क्या ये सीवर लाइन का, क्या ये आबादी के हिसाब से, जो शुरू में आबादी कम थी मालिन नगरी, उस हिसाब से लाइनें डाली हुई है ये 8 इंची 10 इंची जो भी होती है इनके पास हमें, परंतु चूंकि अब आबादी उससे 10 गुनी हो चुकी है तो वो आए दिन ही रुकती है। अभी भी इसके पीछे वाली गली में सीवर एकदम बहरा पूरा रोड पे। चलिए, गंदगी में मॉर्निंग वॉक अच्छा नियम है, परंतु क्या करें, किसको रोएं, कहाँ पे जाएं, सबसे बड़ी बात है किस किस को रोइएगा, मुंह ढक के सोइएगा, आराम बड़ी चीज़ है, ये सबसे बड़ी बात है शायद प्रशासन की। लगता ही नहीं है, वो खाली आंकड़ों में दिखाते हैं कि इस लेबर पार्क में हमने 3 लगा दी या इसमें हमने 2 लगा रखे, एक पानी देने वाला, एक सफाई करने वाला, परंतु होता एक ईयर एक से भी 4-4 पार्क सफाई करवाते हैं हम लोग। अरे एक देने से 4 पार्क, बाकी के पैसे उठा रहे हैं? हाँ, बाकी उठा रहे हैं। ये सामने काहे की बिल्डिंग है? ये मकान है हाउसिंग बोर्ड के। अच्छा, तो ये इनके रास्ते इधर कैसे खुलते हैं? अब ये रास्ते तो खोल रखे हैं, ये रास्ते तो इन्होंने खोल लिए, और जब सरकार ने ध्यान भी दिया, इनकी शिकायत हुई तो इनको 2.5 फीट ये जगह अलाउड कर दी इन्होंने गेट के लिए। तो परंतु ये रास्ते खोलने का तो ये पार्क पे कब्जा हो गया ना एक तरीके से। ये सभी पार्क में, साहब वार्ड नंबर 25 का ऐसा कोई पार्क नहीं है जिसके अंदर, हाँ सॉरी, वार्ड नंबर 52 का ऐसा कोई पार्क नहीं है जिसमें दरवाजे और गेट नहीं खुले हों, खिड़कियाँ, ऐसा कोई पार्क नहीं है। मैं आपको और भी दिखा दूंगा इसके अलावा। ये इनके तो मजे हो गए सब। हाँ बिल्कुल मजे हो गए साहब। तो हाउसिंग बोर्ड, ये वोटों की राजनीति में जैसे ट्रैक बनाने, तो इनको पहले 2.5 फीट की जगह, ये इधर भी खोल रखे इन्होंने, तो इन्होंने 2.5 फीट की जगह अलाउ कर दी ना, इन्होंने तो बना भी लिया ना 2.5 जगह अलाउड में, वो तो खाली तो पड़ी है, वो खाली तो पड़ी। 2.5 फीट की जगह क्यों अलाउ करी इनको? वो नियम होगा इनका हाउसिंग बोर्ड का, भाई कोई पार्क से हवा पाने के लिए। पार्षद को अभी देखिए, ये अभी बताता हूँ, ये पेड़ बरसों से इसी पार्क में ये पूरी लाइन पे छाया हुआ था, पूरी लाइन पे आए दिन इनके फॉल्ट होते थे और आए दिन इनके नुकसान होता था बिजली से। और अर्चना शर्मा जी पूरे मोहल्ले वालों ने लिख के दिया है, उसके बाद में उन्होंने ये जो तार दिख रहे हैं, हाँ ये लाइन ही नहीं डल गई सर, अभी डली है, ये पोल भी टूट गया था, इससे जब कटाई हुई तो ये पोल टूट गया था। ये मालवीय नगर सेक्टर 9 की कॉलोनी है जिसमें मैं इस वक्त खड़ा हूँ। कहा जाता है कि 30 फुट की रोड है, और ये कहाँ से कहाँ तक 30 फुट की रोड दिख रही है, ये समझ से बाहर है, क्योंकि लोगों ने जिस तरीके से अपने मकान बनाए हैं, कब्जे किए हैं, जिस तरीके से आगे बढ़ाया है, पता नहीं क्यों लोग इस तरीके से करते हैं। 30 फुट की रोड, और उसके बाद ये गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, उसके बाद पता नहीं चलता कि रोड बची भी है कि नहीं बची। यहाँ पे रोड वोड की बहुत बेकार हालत है, पानी भर जाता है बारिश में, भर जाता है पानी यहाँ आगे, पूरा गली भर जाती है। हाँ बिल्कुल, निकलने का साधन नहीं है पानी? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब रास्ता बंद है, गाड़ी लगानी पड़ती है, नहीं तो पानी दुकानों के अंदर आ जाता है, इतनी कंडीशन है। ओहो ऐसे? हाँ रास्ता तो बहुत ऊंचा कर रखा है, फिर भी ये तो यहाँ है सर, आगे जाइए ना, ये तो ऊपर एक चबूतरा इन्होंने बना रखा है, इन्होंने तो ऊंचा कर रखा है, ये तो आग लग गई थी तो सामने मकान में, तो इन्होंने तोड़ के नया बनवाया, बाकी आगे तो बिल्कुल गंदी कंडीशन है, मतलब ग्राहक भी परेशान है, यहाँ पे खड्डे खड्डे हो रहे हैं पूरे रोड पे। हाँ सर, कौन है अध्यक्ष साहब? बोलो सर, आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? हाँ सर, बोल, यही तो कमी है हम लोगों में, हम बोलते ही नहीं है, क्या करें। आप तो सिटी बस की करवाओ। सिटी बस की समस्या तो खैर वो परिवहन विभाग की समस्या है अपने। क्या है वो बताओ ना। यहाँ देख, जल सीवरेज की जो समस्या है, मार्केट में रोड की जो समस्या है, यहाँ मार्केट सभी व्यापारियों का ये कहना है कि यहाँ पर जो बरसात के टाइम के अंदर कम से घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है, तो हम सब लोगों से आग्रह है कि भी यहाँ पर आरसीसी जो है कंक्रीट की जो है रोड बनी है और बढ़िया तरीके से काम होगा ताकि व्यापारियों को लाभ मिल सके इस चीज़ का। ये तो हम लोग सब व्यापारी लोगों ने पहले से ही हमारे विचार आए, उस वक्त ही हमारी डामर की रोड बन गई थी, उससे व्यापारी संतुष्ट थे, लेकिन अभी जो फिलहाल जो व्यापारियों का ये कहना है कि जो बारिश के समय में हमारे को जो समस्या फेस करनी पड़ती है उसके लिए प्रशासन से हमारी बात हुई कभी? पार्षद से जब हमने, हाँ चावला जी है अपने, सारिणी चावला है, उनसे हमारी बात उस वक्त हुई थी, तब उन्होंने ये रोड का निर्माण करवाया था। अभी फिलहाल जो फेस आ रही है प्रॉब्लम, बारिश के टाइम में 6 महीने बचे हैं, मेरे को कुछ काम नहीं करना है। देखो वो तो अब उनकी बात है, वो जो है। देखिए साहब, अगर ये टाइम की बात करते हैं तो फिर क्या नाम से हमारे से वोट मांगने पहले क्यों आते हैं, है ना?
वोट मांगने का कारण ये जरूरी नहीं कि आपके पास 6 महीने में बचे हैं या 12 महीने बचे हैं, क्या बचे हैं, आपका काम होता है कि पब्लिक का काम करें। सबसे बड़ी बात क्या है साहब, मालवीय नगर में सीवरेज का जो है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये वार्ड नंबर 52। हाँ, 52 के अंदर है कि यहाँ क्या है कि हर दस दिन के अंदर यानी क्या नाम से यहाँ सीवरेज लाइन ब्लॉक हो जाती है, सफाई नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, कचरा भरा हुआ है उनमें साहब। और जो कहते हैं बोले साहब वो ठेकेदार जिसको दिया है कचरे का जो है वो यानी क्या नाम से उनका ठेका खत्म हो गया। अब साहब ठेका खत्म हो गया तो इसमें पब्लिक क्यों परेशान हो साहब है जो। अब वो क्या, अच्छा अब ये बरसात का टाइम है आपको मैं बताऊँ, अगर सीवरेज वो पार्क है, पार्क के सामने सारी रोड टूटी हुई है, गेट भी बंद है, उसको ठीक कराना बहुत जरूरी है। नालियाँ बंद है पार्क के, देखते हैं मार्केट के मेन चलते हैं वही देखते हैं मेन जगह पूरा पार्क। अंकल बताइए आपके ये 9 सेक्टर से जो है आप ट्रांसपोर्ट की बड़ी प्रॉब्लम है, क्या ये सिटी बस जो है लो फ्लोर उसकी रेगुलर जो है सर्विस नहीं है? वो तो आती होगी ना, ये तो गवर्नमेंट की बसें जो लाल डब्बे नहीं है, नहीं आ रही है ना, उसी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। 32 नंबर है तो वो सब ड्राइवर और ये कंडक्टर का बड़ा मिसबिहेव करते हैं, ओवरचार्ज करते हैं और हाँ बिल्कुल सब मतलब वो तो लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अनसिविलाइज्ड है ड्राइवर कंडक्टर 32 नंबर के, इसलिए आप तो ये व्यवस्था होनी चाहिए सरकार की तरफ से कि 9 सेक्टर में 6A और 6-1 जो है वो गाड़ी चल रही थी वो बहुत बढ़िया थी, अब बंद हो गई है तो वो सर ये तो मंत्री लोग जाने नेता लोग जाने ट्रैफिक तो मिलता ही होगा ना। सिटी बस की सर्विस होनी चाहिए अब 9 सेक्टर से, वेल ये प्रॉब्लम बड़ी भारी है। बताइए क्या समस्या वार्ड की? सर वार्ड में कचरे की गाड़ियाँ नहीं आ रही आजकल। अच्छा, पहले बराबर आ रही थी, क्यों नहीं आ रही? अब ये तो साहब ये निगम बताएगा या मेयर बताएगा। कचरा नहीं है क्या? कचरा है ना। अच्छा, वो समझे होंगे कि कचरा नहीं है, पार्क गंदे पड़े हैं सब, पार्क तो गंदे पड़े हैं वो देख के। हाँ, इसके अलावा सीवर वीवर का प्रॉब्लम? सीवर 9 सेक्टर में सारी लाइनें सीवर की जाम है, लाइनें सब जर्जर हो चुकी, पुरानी लाइनें हैं। पार्षद साहब को बोल दिया अभी कोई काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे? अभी बजट नहीं है इनके पास। ओहो, बजट नहीं है और साहब सुनते नहीं है, कितनी भी बार जाओ आप कोई सुनता नहीं है वहाँ, उनके खुद के काम रुक रहे हैं। अब साहब ये बरसात का टाइम आ रहा है साहब, अगर सीवरेज लाइन भरी होगी ना तो ये इसकी लाइन का कनेक्शन क्या है रसोई में सब में, क्या बात कर रहे? अगर ये बरसात आएगी तो वो सारा है ना पूरे घर के अंदर पानी भर जाता है, वो सारा जुड़ जाता है, रसोई तक पानी आ जाता है, कमरे तक में पानी आ जाता है फिर। अच्छा, वो वापस? हाँ, वो रिवर्स आ जाता है वो है जो ये अंदर होके लिए है, घर में अंदर होके लिया हुआ है इनको, बाहर से नहीं है, जो अंदर उबलता है ये पानी सारा, सारा गंदगी अंदर उबलती है, लोग परेशान है। ये सर सीवरेज तो बड़ी बात है, नाली छोटी छोटी नालियाँ टूटी पड़ी उसमें भरा पड़ा कचरा, देखो इसको देखो। अच्छा, ये क्या है, क्या तकलीफ है? बना रखा कचरा? नहीं नहीं, ये है क्या बेसिकली, नाला है क्या ये? ये तो नाला तोड़ फोड़ रखा है, खत्म हो गया। अच्छा, ये नाला ही बंद कर दिया? नाला ही बंद करा, कचरे से ढक दिया, कोई सफाई करता है? बरसात आती जब भर जाता है पूरा, ये बरसात आती है ना जब पूरा भर जाता है और पानी भरने के बाद मच्छर इतने हो जाते हैं इधर पार्क इधर। पार्षद साहब को बोला नहीं क्या? बोला कभी? बोल दिया, कोई सुनता नहीं, कोई आता नहीं, ये देख चले जाते हैं, कोई सुनता नहीं, कोई सुना ही नहीं। ये पूरा सीमेंटेड हो गया, रोड चोरी करे क्योंकि रोड ये देखो टूटी हुई है, सारी टूटी हुई है, गेट है बंद है, कोई आ नहीं जा सकता, पार्क का नाश हो रहा है। ये पानी भरेगा इसको, मेन पार्क का रास्ता ही है इधर, ये पार्क मेन रास्ता ही है, ये रास्ता भी रहा मेन, ये रहा, ये सब बंद है। अरे ये इसके कारण अंदर कोई जा नहीं सकता, कोई नहीं जा, ये पार्क में नहीं जा रहा। डेंगू हो गया था बच्चों के, तो मच्छर बहुत होते हैं इधर, पानी भर जाता है ना तो मच्छर आते हैं बहुत, तो मच्छर तो आएगा ही फिर, तो मच्छर आएगा तो बीमारियां फैलती है। और क्या ये नेता बताएंगे सर, ये जगह छोड़ते फिर आदमी दुकानदार कब्जा कर लेता है, छोड़ देते हैं रोड पूरी बनाते नहीं है, ये रोड पूरी बनाते हैं ना जगह होगी ना कब्जा करेगा दुकानदार, वो चला के छोड़ जाते हैं 3 फुट की रोड कम बना देते हैं और फिर वो खाली रहती है तो दुकानदार क्या करेगा या मकान मालिक क्या करेगा, वो बनाएगा कार पार्किंग करेगा ही करेगा। दिनेश जी एक बार दिखाइए ये रोड पे जिस तरीके से कचरा जमा हुआ है, ये सामने गार्डन है,
वैसे तो जो उधर मकान बने हुए उनके लिए पर्सनल गार्डन हो गए हैं, क्योंकि उधर से उन्होंने गेट खोल लिए हैं तो, है ना, और इधर से बंद हो गया तो ये व्यक्तिगत पार्क हो गए हैं। परंतु ये चलो व्यक्तिगत पार्क के साथ साथ देखिए आप, ये कचरा जो जमा हुआ है यहाँ पे, कचरा पड़ा है उसके कारण न तो ये गेट खुल सकता है न ये गेट खुल सकता है, तो पार्क बनाए हुए क्यों है, इनको मेंटेन क्यों नहीं करते लोग, ये समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात पैसे भी ले रहे हैं, अच्छा पैसे भी ले रखे हैं और उसके पैसे भी ले रहे हैं, तो लेते ही होंगे वो ठेकेदार एक प्रकार से, नहीं तो डिपो बना रखा है, रोज की रोज सफाई होनी चाहिए ना, वो नहीं करते ना साहब, वो तो उनको पेमेंट मिल रहा है, जनता वहाँ करती है, वो सब बिके हुए कर्मचारी, तो कौन करे उनके खिलाफ कार्रवाई है, उनका पेमेंट कौन रोके, कौन पेनल्टी लगावे उनके, ये बात। अरे ये भी वार्ड 52 में ही है, 52 नौ सेक्टर है, पूरा नौ सेक्टर है, कोने से लेकर ये नौ सेक्टर है पूरा, इधर कोने से लेकर के आगे ठेठ ये यहाँ तक है, और ये डी ब्लॉक भी 52 में आ गया, 52 में सारा 52 है। वार्ड नंबर 52 के डी ब्लॉक के मुहाने पे इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पे यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो भी बहुत सारी तकलीफों से जूझ रहे हैं। वार्ड नंबर 52 में मिसेज चावला है जो कि यहाँ की पार्षद है, उनसे बात करते रहे हैं लोग, और वो अब ये कहती है कि मेरे 6 महीने बचे हैं, मेरे उसे आके कुछ मत कहो, क्या तकलीफ है सर? यह मिट्टी जो इकट्ठी हो जाती है उठाते नहीं उनको। अच्छा कचरा फेंक जाते हैं क्या लोग यहाँ पे? नहीं फेंक जाते, कहीं तो क्या है जैसे पानी जा रहा है या लीकेज हो जाता है तो काट करके यहीं रख देते, देख लो आप ये ढेर पड़े हैं, एक ये पेड़ टूट गया उठाने वाले ही नहीं पेड़ को, अच्छा आज कम से कम महीने में चला टूट गया होगा, यहीं से टूट गया अपना पेड़, हवा से टूट गए होंगे, हवा से टूटा है तो कोई उठाने नहीं आया, आंधी आएगी कोई उठाता नहीं, शिकायत कर ली सबसे, कह दिया तो क्या बोल रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं है, एक बार आया था ट्रक वाला तो बोले हम बाद में आएंगे, आई नहीं आज तक। पालिका बाजार में इस वक्त खड़ा हूँ और यहाँ पे यहाँ के व्यापारियों की जो एक समस्या है, जिस समस्या के बारे में जूझ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं, क्या तकलीफ है? इस मार्केट को बने हुए लगभग 20 साल हो गए, लेकिन अभी तक न तो जो नगर निगम से हमको पट्टे मिलने थे वो मिल पाए हैं, दूसरा इस रोड की समस्या है, यहाँ थोड़ी सी बरसात के अंदर इतना पानी भर जाता है कि निकलना दूभर हो जाता है, सीवर लाइन नाला है लेकिन वो पानी सारा यूँ बह के आता है, ढलान इस साइड में है, कई बार पार्षद को कह चुके हैं, कई बार विधायक साहब से रिक्वेस्ट कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, नहीं पट्टे मिलेगा, काफ़ी टाइम तक पानी भर जाता है और उसके बाद में दो दो घंटे लग जाते हैं पानी को निकलने में, तो उसके बाद में ग्राहकी भी खराब होती है, पट्टे की काफ़ी बार ट्राई कर चुके हैं लेकिन पता नहीं क्यों उसको पेंडिंग हुआ है ना, पैसा 10,000 रुपये बाकी है तो वो तो तो पैसा हम तो सब व्यापारी तैयार है, हम तो ब्याज भी पेनल्टी सहित देने के लिए भी तैयार है, पेनल्टी सहित देने के लिए भी तैयार है लेकिन अब काफी सारे मिलके कई बार हमने चक्कर भी लगा दिया है तो सुनवाई भी नहीं हो पाती है, तो ये तो नगर निगम का मसला है ना, नगर निगम का मसला तो है लेकिन जो पानी भर जाता है ना, अगर ज्यादा बारिश आती है तो कई बार कई व्हीकल निकलते हैं, फोर व्हीलर वगैरह दुकानों के अंदर पानी आ जाता है, अंदर दुकानों में बहुत समस्या है, यहाँ पे दुकान में बढ़ जाता है, दुकान के अंदर ही घुस जाता है पानी, तो बहुत सारा क्या है अतिक्रमण फैला हुआ है, यहाँ पे जगह नहीं है, पार्किंग की जगह नहीं है, यहाँ बाहर कचरा, हमारे को दुकानें दी गई थी लेकिन अभी वापस वही थड़ी मार्केट बस गया, कोई सुनवाई नहीं है मतलब किसी की, अच्छी दुकानें दी थी कि पक्की? नहीं जमीन दी थी हमारे को, ये 2 मीटर बाई 2 मीटर जमीन दी थी हमारे को, अच्छा नगर निगम ने दुकानें नहीं, अग्रीमेंट नहीं हुआ, 11,000 रुपये जमा हुए थे हमारे पास, उसकी रसीद मिली हमारे, और लॉटरी सिस्टम से निकला था भाई, तेरी एक नंबर तेरी दो नंबर ऐसे लॉटरी से निकला था, बाण में दुकानें अलॉट हुई थी हमारे को, बाण में 92 दुकान, बराण में दुकानें यहाँ पे, हाँ ये इस लाइन में और वो तीन लाइन, वो ये वाली तो अलग है, ये हाउसिंग बोर्ड की है, अच्छा ये नगर निगम की है, ये नगर निगम की, तब हमको ये कहा गया था कि 5,000-10,000 रुपये हमारे बाकी थे कि हम 5,000-5,000 के आपको नोटिस देंगे, दो वो आप जमा कराना 5,000-10,000 रुपये और आपको पट्टे दे दिए जाएंगे, नहीं तो हमको कभी आज तक नोटिस मिला न हम, नहीं तो पार्षद महोदय से बात हुई होगी ना, पार्षद महोदय भी सुनी अनसुनी कर देते हैं ना साहब, एक्चुअली में पार्षद महोदय का काम क्या है कि पार्षद तो है उनकी बहू और वो काम देखते हैं उनके ससुर साहब, वो तो रबर मोहनलाल चावला, अच्छा तो वो देखते हैं काम सारा, मोहनलाल जी क्या बोल रहे हैं, खूब प्रयास कर लिया, वो जाते ही नहीं हमारे साथ कहीं पे हम, लेकिन फिर भी हम सिंगल हैंडेड हम खुद जाके पहले कालीचरण जी, तो जब चुनाव के टाइम में कालीचरण जी आए होंगे तो उनको क्यों नहीं बोला होगा, पता है साहब उनको, तो क्या बोल नगर निगम से फाइल ही आगे नहीं चलती ना, अब पहले हम लालकोटी नगर निगम गए तो सांगानेर जोन पड़ता है हमारे, सांगानेर जोन में जाके सीईओ से मिलते हैं तो वो बुला लेता है, फिर ठीक है हाँ ठीक हाँ 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 हो रही है बस, खाली फाइल आगे नहीं बढ़ती है कभी,
मार्केट को बनाए इतना टाइम हो गया, सीवर लाइन नहीं बन रही है, डल रही है अंदर, लोगों ने दुकान ऊपर बना नहीं सकते, बना रही है तो नाले के अंदर डाल रखे हैं पाइप, सीवर लाइन नहीं है मार्केट के अंदर, बहुत परेशानियां हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है और पार्किंग बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पे खड़ी, कोई कस्टमर अगर फोर व्हीलर इधर से लेके आता है उधर से लेके आता है दिक्कत नहीं होती है, सारी खत्म हो गई, ठेले लग जाते हैं शाम को यहाँ पे, ठेले वाले यहाँ पे वीआईपी कस्टमर अंदर कोई भी ग्राहक आता है कार के अंदर आता है वो तो बाहर खड़ी करके बाहर आने के अंदर करता ही नहीं है, बोले अंदर जगह ही नहीं है, कहाँ से मार्केट इस चक्कर में पिटी है, शाम को ठेले वाले खड़े हो गए, दारू अब तो वापस चुनाव आने वाले हैं, नगर निगम के ठेले लग गए यहाँ पे, नॉनवेज के ठेले लग गए, शाम को यहाँ पे खड़े होकर दारू पिलाते हैं आराम से, नॉनवेज खाते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, पीछे थाना है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है किसी चीज़ की। अच्छा थाने के पिछवाड़े में ही हो रहा है सब, थाने के पिछवाड़े में हो रहा है ना, ये पीछे जवाहर सर्किल थाना है ही, पार्किंग तो दूरी है खाली, आराम से यहाँ पे चलते हैं सब, नॉनवेज खिलाते हैं सब और दारू पिलाते हैं, टेबल कुर्सियाँ लगा रखी हैं ठेले के पीछे, जगह पड़ी है वहाँ पे, खोलते हैं बोतल लक्कन और साथ में नॉनवेज भी है, सब है, सब मिल जाता है, लेडीज वगैरह का तो निकलना शाम रात को दोपहर हो जाता है यहाँ से। अच्छा ऐसा है, कैसे निकलेगी साहब, लेडीज वगैरह नॉनवेज की दुकानें लग रही है, वहाँ दारू पी रहा है आदमी, वहाँ खा रहा है, तो मार्केट में बैठे हैं हम दुकानें लेके, इतना खर्चा है, बाहर क्या है कि इतना अतिक्रमण हो गया है, वाइन शॉप से लेके आगे रिलायंस फ्रेश तक थड़ी है, ठेले साइकिल पे रिक्शा पे और आगे टैक्सी स्टैंड आगे, तो अंदर ग्राहक अंदर आता नहीं है, हमारे इतने खर्चे कहाँ से निकलेंगे, इतनी भीड़ भाड़ के अंदर बाहर ग्राहक कस्टमर जो है ना बाहर ही सेट हो जाता है, अंदर आने की 8-9 बजे के बाद में अंदर घुसता ही नहीं है ग्राहक, बिल्कुल सुन नहीं रहे, बारिश आ जाए तो और बंटा डाल, बारिश अगर आ गई तेज पानी भरा रहता है, पानी की समस्या रहती है, पानी भर जाता है पूरा, बहुत पानी हो जाता है, हमारे को बीच में गाड़ियां लगानी पड़ती है ताकि अंदर फोर व्हीलर नहीं घुसे, फोर व्हीलर घुस गया तो दुकानों के अंदर पानी आ जाता है, उसी जगह से हमारे को बीच में कोई गाड़ी घोड़े खड़े करने पड़ते हैं, क्रॉस लगाना पड़ता है ताकि अंदर कोई फोर व्हीलर कोई स्पीड में नहीं आए, स्पीड में आएगा तो रास्ता रोकना पड़ता है, वो तेज स्पीड में आएगा तो वो पानी एकदम फुहार आएगी सीधे दुकानों के अंदर आएगी, दुकानों के अंदर पानी चला जाता है, नुकसान हो जाता है, इसलिए इसका कुछ इंतजाम होना चाहिए। एक बार मतलब इतनी जबरदस्त आप सारी चीजें हैं सब, आप लोगों की इतनी अच्छी यूनिटी है, आप कभी पार्षद से मिलो बैठो बात करो, मिल के तो आए बात करके आए, इस बार का दुर्भाग्य रहा है जब ओम स्वामी पार्षद था ना उसके बाद जितने भी पार्षद आए उन्होंने कुछ कोई काम नहीं किया, मेरी पार्टी के मैं विरोध में मतलब विरोध कर रहा हूँ, चला गया अब बीजेपी का ही हूँ लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बात, ओम स्वामी जब या तो सुमन जी थी या ओम स्वामी, उसके बाद में जितने पार्षद आए, अब सुमन जी तो सुमन जी को बोलो कि ऐसे ऐसे हो रहा है, सुमन जी नहीं कर रही क्या, अब ऐसे ये साहब आजकल क्या है कि अब हम भी थोड़े कार्यकर्ता कम हो गए, हम जाते कम है, दूसरे कार्यकर्ता जाते हैं तो हमारी सुनवाई होती नहीं है, तो यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स भी चल रही है क्या, यहाँ तो पार्टी पॉलिटिक्स क्या चलेगी सब, यहाँ पे तो बीजेपी के कांग्रेस का तो कोई एक दो आदमी है, तो फिर तो कालीचरण जी को ये तो बसाया हुआ है बीजेपी का है कि ये मतलब पट्टे नहीं मिल रहे हैं, ये रात ये बीजेपी के हो चाहे दुकानदार चाहे कांग्रेस के हो, मेरे कहने का मतलब है पट्टे इनके राजनीति में फंसे हुए हैं, वो अगर दिलवा देंगे उनकी समस्या खत्म हो जाएगी, फिर यहाँ झंडे कौन लगाएगा, पट्टे दिलवा देंगे तो आप ये बताइए झंडे वहाँ झंडे कौन लगाए बीजेपी के, फिर इसलिए वो राम मंदिर वाले जैसे अगर वो बना दिया तो समस्या खत्म, ऐसे तो खैर नहीं है साहब, आजकल चुनाव आयोग ने खत्म कर दी, झंडे तो लगा ही नहीं सकते आप, एमएलए यहाँ पर एमएलए बीजेपी का बरसों से 7 बार या 6 बार जीत गए, पार्षद यहाँ से आज तक कांग्रेस का नहीं जीता बीजेपी के, फिर पट्टे क्यों नहीं मिले, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ बताइए आप, लिंक से लिंक जुड़ा हुआ है एमएलए और पार्षद चाहे तो ये पट्टे सीओ कोई वो नहीं है, पेनल्टी सहित पेनल्टी लगा के ओम स्वामी ने और तैयार करवा दिया था भाई, 17,000 रुपये पेनल्टी जमा करा के आप पट्टे ले सकते हैं, उसको ही रुकवा दिया लोगों ने, तो ये तो राजनीति में फंसा हुआ बाजार हो गया साहब, ये पट्टे तो जब ही मिलेंगे जब भी हमारे दुकानदार ही एकदम एक्शन लेंगे, बाकी मूलभूत सुविधाएं वो तो मिलनी चाहिए, जैसे पानी की प्रॉब्लम है और भी काफी सारी पार्किंग की प्रॉब्लम है, तो बाहर जो बिजनेस के ऊपर कभी लोन वोन चाहिए होता होगा तो वो कुछ नहीं, ऐसी कोई सुविधा तो कहाँ है सर, प्राइवेट से लो, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट दो आप, अगर आपकी जरूरत है तो मजबूरी में, ठेले वालों की प्रॉब्लम है, इन्होंने परेशान कर रखा है सबसे ज्यादा, तो सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है, रात को लेडीजों से बदतमीजी से बातें करते हैं ये लोग, लेडीजें परेशान होती है जो अलग, कोई भी कस्टमर आता है उनको कहते हैं भाई साहब यहाँ जगह नहीं आगे जाओ, हमारे और दुकानदारी खराब होती है इससे, गाड़ी लेके आते हैं जो भी आता है, पार्षद साहब को बोलो, पार्षद साहब थाने में जाके भी अप्लीकेशन दे दी, वो कहते साहब हमारा काम नहीं है, तो वो कहते हैं आप JDA जाओ, हाउसिंग बोर्ड जाओ, नगर निगम जाओ, अब कहाँ जाए, अब दुकानदार कहाँ जाओ, थाना ही लगता है हमारे को तो पास में, हाँ चले जाते हैं हम तो,
अब पार्षद साहब को भी आपने कहा है तो पार्षद साहब के पास ही जाएंगे अब आप कह रहे हो तो। क्या तकलीफ है बावन की? बावन की एक तो यही है कि रोड पे तो क्या जाम बहुत रहता है यहाँ पर, इस जो भी ठेले वगैरह उनका इनका कोई प्रॉपर स्थान नियुक्त किया जाए या सफाई के लिए थोड़ा सा, मतलब हर तरीके से होती है आपके वार्ड में होती क्या मनमर्जी की है जिसको देखा जाए, मतलब यानी सफाई के लिए यही है कि जैसे अलग से पैसा देते हो तो काम कर देंगे, नहीं बाद बाकी सड़क पैसा देना पड़ता है, क्यों नहीं देना पड़ेगा गटर के लिए उसके लिए अगर किसी भी चीज़ की कोई सुनवाई नहीं। सफाई हो रही है सीवरेज की होती कहाँ है, जब ज़्यादा होने लग जाता है 10-5 लोगों की जब कंप्लेंट पहुँचती है ज़्यादा कुछ होता है तब जाकर के कोई छोटा मोटा काम कर देते हैं, बाद बाकी प्रॉपर कुछ भी नहीं है। कपच्ची लेके आ जाते होंगे, कपच्ची लेके वो भी अलग से पैसा देना पड़ता है। हाँ सरकार के बेस पर कुछ नहीं है, मतलब जो खड्डे खुदे हुए हैं चाहे बाइक वाला गिरे या कुछ भी हो, एक एक हाथ गड्ढे नीचे खुदे हुए हैं तो वो वहीं पे पड़े हुए हैं, मतलब उनको ईंट लगा करके प्रॉपर चैम्बर लगाना चाहिए, चैम्बर लगवाना तो पैसा दो एक्स्ट्रा। अच्छा चैम्बर के लिए भी पैसा दो? बिल्कुल, रोड पर देखिए आप, मतलब 10 सेक्टर में मंदिर महामंडलेश्वर के सामने गली है उसमें भी यही कंडीशन है, मतलब यानी अगर नीचे टूटा हुआ है अपने बेस पर अभी भी 2,000 रुपये देकर 2,100 रुपये दे करके उसको ईंटों से प्रॉपर सेट करवाया, नहीं तो वो कम से कम 10-10 साल से ऐसे ही पड़े हुए थे। रोड लाइट ठीक नहीं है, रोड लाइट जल रही है तो जल रही है, बंद करने का कोई वो नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई मतलब वो नहीं रहता कि कोई सुनवाई हो, आराम से बैठे सभी लोग या किसी चीज़ का कोई वो है। मतलब पार्षद कभी आती भी नहीं? पार्षद का तो आता शकल ही नहीं देगी पार्षद की, कौन है शकल क्या, आप कोई वैसा काम हो तो आ जाओ अपनी पार्टी वगैरह के लिए, बाद बाकी किसी का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा नंबर भी नहीं होंगे फिर तो आपके पास जब शकल ही नहीं नंबर वगैरह तो ये है कि सब वही वाली बात है, जिसकी ज़रूरत है वही पहुंच जाओ, घर पे जा करके मिल जाओ, वो जॉब पे जाती हैं, सर रहते हैं उनके हस्बैंड, तो वो वाली स्थिति नहीं, बाद बाकी तो क्या है, जिसकी जो ज़रूरत हो वो कर लो। अच्छा पैसा दो काम करा लो, काम कराओ बस, और कुछ भी नहीं। मतलब ये नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई भी प्रॉपर जो बेस होना चाहिए जो कि अपने आप जो चलते रहना चाहिए, साल में 6 महीने में किसी चीज़ का मतलब एक तरीके से जांच होनी चाहिए कि भाई ये चीज़ खराब है, लाइट खराब है तो क्यों खराब है। यहाँ पर ठेले वगैरह लगे रहते हैं, रात के समय पर कोई लेडीज आ रही हैं परेशान हो रहे हैं या बीच में जाम लग रहा है तो लग रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं, कोई बीच में गाड़ी खड़ी करके चला जाए तो चला जाए। अब वो जगह है वहाँ पर पंछियों का दाना डालने के लिए बना हुआ है, गायों को दाना डालने के लिए बना हुआ, लेकिन वहाँ पे नहीं पड़ेगा वो, यहाँ रोड पे पड़ेगा। तो ठेले लग गए ना, अब ठेले लगते हैं, ठेले वालों की स्थिति है, कोई आड़ा लगाओ कोई टेढ़ा लगाओ, लेकिन रात को किसी को अगर आना है दुकानों पे आना है तो परेशानी है, वैसे है तो परेशानी है, वो वाला सिस्टम। बारिश में भी पानी पड़ता है? वो तो पानी तो सब जगह है, पानी अगर आधा घंटे बारिश हो जाती है तो रोड पर ऐसा लगता है नाला बह रहा है या नदी बह रही है, उसका कोई प्रॉपर बेस नहीं है कि नाली सीवरेज क्यों नहीं निकल रहे हैं, गलियों के सीवरेज क्यों बंद हैं, सब तरीके से मतलब यहाँ 10-10 दिन 15-15 दिन पानी बहेगा जब जाकर के कोई गाड़ी आएगी, अन्यथा गाड़ी वो भी नहीं। देखिए साहब,